नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि सैनी अपने चैनल होम्यो सैनी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया। मित्रों, आज हम चैनल पर अपने आप लोगों के लिए एक बीमारी का टॉपिक लेकर आए हैं और जिस पर हम चर्चा करेंगे वह टॉपिक है फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों का टूटना, बालों का गिरना। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक भूल गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो फॉलिंग ऑफ हेयर का बहुत ही बढ़िया होम्योपैथ में रोल है, होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल है, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जो इनको जड़ से समाप्त कर देता है, सडन रिलीफ देता है। तो होम्योपैथ की मेडिसिन बहुत है। हम इस मेडिसिन के बारे में आपको सिम्टम के आधार पर बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग जिसको जो सिम्टम मिलता है उस पर इस मेडिसिन का यूज कर सकता है। क्योंकि मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ कि होम्योपैथिक इज द बेस्ट एंड चीप सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत ही सफल इलाज है। तो उस मेडिसिन पे हम चलते हैं। पहली मेडिसिन लेते हैं नेट्रम म्योर। मित्रों, नेट्रम म्योर ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें फॉलिंग ऑफ हेयर होता है, डेंड्रफ होता है। इसका पेशेंट जब तक उसे नमकीन चीज दिन भर में ना मिल जाए, मोर डिजायर टू साल्ट हॉबी है उसका नमकीन चीज खाना, तो अगर ये सिम्टम मिलता है, दिन में स्पेशली कभी कभी सर दर्द करता है, डेंड्रफ है, तो 100% इन मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इसकी पोटेंसी है नेट्रम म्योर की 30 में स्टार्ट किया जाए और सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद लिया जाए, 1 मंथ तक लिया जाए और दूसरे महीने में 200 की पोटेंसी सुबह और शाम लिया जाए, 5 बूंद सुबह शाम लिया जाए। अगले तीसरे महीने में नेट्रम म्योर की 1 mg पोटेंसी वीकली लेना चाहिए, निश्चित तौर से 100% बालों का गिरना रुक जाते हैं। अगली मेडिसिन आती है, हम लेते हैं सेपिया। चूंकि सेपिया का लक्षण है पेशेंट ब्लिंथ थिन होता है, इरिटेबल होता है, बड़ा ईसाई होता है, बड़ा कंजूस होता है, अकेले में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है और इचिंग विद फॉलिंग ऑफ हेयर अगर है तो ऐसे पेशेंट को सेपिया 30 में सुबह दोपहर शाम 5 बूंद दिया जाए 1 महीने तक, दूसरे महीने में 200 की पोटेंसी सुबह शाम दिया जाए और तीसरे महीने में 1 mg की पोटेंसी वीकली दिया जाए, 100% ठीक हो जाता है। एक मेडिसिन आती है सेलेनियम, उस पर हम चलते हैं। सेलेनियम का पेशेंट, सेलेनियम की मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए है जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है और कंप्लेन करता है कि फॉलिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग कॉम्बिंग, कंघी करते समय बाल टूटते हैं और कभी कभी मूछ और दाढ़ी के बाल भी टूटते हैं, गिरते हैं, ऐसे पेशेंट को सेलेनियम का यूज होना चाहिए। सेलेनियम 30 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5 बूंद, दूसरे महीने में सेलेनियम 200 की पोटेंसी सुबह शाम और तीसरे महीने में सेलेनियम 1 mg पोटेंसी वीकली से 100% केस ठीक हो जाता है। मित्रों, अगली मेडिसिन पर हम चलते हैं, एसिड फ्लोर, यानी जिसे हम कहते हैं आप फ्लोरिकम एसिडम। फ्लोरिकम एसिडम ऐसे पेशेंट के लिए होता है जिसे बाल गुच्छे में टूटते हैं, ग्रुप में टूटते हैं और एलोपेशिया की बीमारी हो जाती है, चकत्ते में बाल। अब हम आते हैं अगली मेडिसिन पर, एसिड फास या जिसे आप कहते हैं फास्फोरिक एसिड। मित्रों, ऐसे पेशेंट के लिए मेडिसिन यूज होती है जिनमें लॉस ऑफ फ्लूइड, डिबिलिटी, कहीं ना कहीं से फ्लूइड का नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ शरीर से, पेशेंट कमजोरी बताता है, सर दर्द बताता है, ऐसे पेशेंट के लिए एसिड फास का प्रयोग करना चाहिए। और एसिड फास पहले 30 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5 बूंद, दूसरे महीने में 200 की पोटेंसी सुबह शाम और तीसरे महीने में
एसिड फास क्यू, अगर सफलता नहीं मिलती है तो एसिड फास क्यू 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेने से 100% बालों का गिरना रुक जाता है। मित्रों, कुछ स्टरलर रूप से लगाने के लिए दवाओं का मैं उपयोग आपको बता रहा हूं, तो अगर बाल में आप लगाना चाह रहे हैं तो जबरांडी क्यू और आर्निका क्यू बराबर मात्रा मिला लें, 10 ml वो, 10 ml वो, और 30 ml नारियल के तेल में मिक्स करके सुबह शाम लगाया जाए तो 100% बालों का टूटना रुक जाता है। तो मित्रों, ये रही मेडिसिन की सिम्टम और लक्षण और ट्रीटमेंट, और अब हम आपसे मिलेंगे अपने चैनल पर अगले वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। नमस्कार।